तो कथा है धरणी पावन करण पवित्र कीर्ति लोक मंगलकारी संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की, जिन्होंने जीवन भर बस विनय का ही सुख लिया। मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो भक्ति मार्ग के भिन्न भिन्न आचार्य प्रकट हुए, और उनमें से एक आचार्य श्रेष्ठ श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सूर्य के समान उदित हुए इस संसार में। और कहते हैं, जब भक्त आता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है, और वसुंधरा पुण्यवती सौभाग्यवती हो जाती है। इस लोक में कभी विचार करना, जिस भूमि पर आप त्याज्य वस्तु का त्याग करते हो, मलमूत्र का त्याग करते हो, वो भूमि आपको अन्न देती है, धन धान्य देती है, फूल फल देती है। क्यों? आपके मेरे लिए नहीं। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। किसी संत का निष्काम भजन है जो आपके मेरे सुख का विधान करता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ, अनेक अनेक जीवों को कृतार्थ किया। एक ब्राह्मण कुमार उनकी सेवा में रहा करता था, और आचार्य चरण का नित्य का नियम था, प्रत्येक सेवक के निमित्त कुछ सेवा थी। और उस ब्राह्मण कुमार की क्या सेवा थी कि वो नित्य मधुकरी मांगकर लाता था। अच्छा, साधु का ये कर्तव्य है कि साधु देते समय विचार न करे, पर लेते समय जरूर विचार करे। देते समय विचार क्यों ना करें, क्योंकि जो आया है वो पात्र है, पर लेते समय अवश्य विचार करें कि किसी की वस्तु ग्रहणीय है या नहीं है। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने उसको आज्ञा दी मधुकरी की, वो बेचारा नित्य मधुकरी करके लाता, लेकिन कुछ स्थानों से ना लेने की भी आज्ञा थी। कहां से ना लेने की आज्ञा थी? जो व्यक्ति कामना से देता है उसकी वस्तु त्याज्य है, साधु के लिए जो भजन करता है। अब साधु की जब मैं बात कहूं तो समझना, साधु माने कोई विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति नहीं, बड़ी सुंदर माला तिलक धारण करने वाला व्यक्ति नहीं। संत की बात सुनो, साधु का गुण क्या बताता है? वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सु मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो साधु अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम से साधु। तो अब गांव में था एक व्यापारी वणिक, वो किसी प्रकार से रोज चेष्टा करता था कि किसी प्रकार से मेरी वस्तु आचार्य चरण के पास चली जाए। आचार्य चरण में श्रद्धा नहीं थी, अपना काम बनाना था। आचार्य में श्रद्धा नहीं थी, उसको अपना काम बनाना था, अपना स्वार्थ साधना था। वो ये जानता था कि आचार्य चरण सिद्ध पुरुष हैं, यदि किसी भी प्रकार से मेरी वस्तु स्वीकार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब भाई वो नित्य प्रयास करे, लेकिन वो जो ब्राह्मण बालक था उसको गुरु की आज्ञा थी, आचार्य प्रभु की आज्ञा थी कि इस व्यक्ति की वस्तु कभी मत लेना। एक दिन हुआ क्या, संयोग से घनघोर वर्षा हो रही थी, पूरे गाँव में मधुकरी नहीं मिली। आज उस व्यापारी ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर आज इसको वस्तु दे दी जाए तो किसी प्रकार से वस्तु आचार्य तक पहुंच जाएगी। बोला, बाला ब्राह्मण कुमार था, अब व्यापारी ने अपनी बातों में लगा लिया, मान गया। बोले, आचार्य से कहना नहीं, बस अगर आज नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, तुम्हारा तुम धर्मच्युत हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, आचार्य से कहना नहीं, लेकिन ये वस्तु किसी प्रकार से ले जाकर आचार्य प्रभु को निवेदन करना।
सीधा सामान था, लेकर कुटिया में पहुंचा, भोग अमनिया तैयार किया। आचार्य चरण ने जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखा, आज प्रभु मानसी भावना में भोग आरोग्य नहीं, तो आचार्य चरण ने देख लिया कि आज अन्न में कोई ना कोई दोष है। शिष्य को बुलाया, पूछा। अब एक अपराध तो हो चुका था कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो चुकी थी। शिष्य ने मन में विचार किया कि दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने पूछा, और जो कारण था सत्य सत्य कह दिया कि हाँ प्रभु, घनघोर वर्षा हो रही थी और मुझे लगा कि आप भूखे न रह जाएं। आपने निषेध किया था कि उस वणिक से कोई वस्तु न लेना, पर मुझे आज लेकर आना पड़ा। क्रोध आ गया आचार्य चरण को, धर्म रक्षति रक्षितः, कि प्राण जाएं पर जीवन में सिद्धांत सुदृढ़ रहे। तो आचार्य ने क्रोध करके कहा कि मूर्ख, एक एक दिन भूखा ही तो रहना पड़ता, लेकिन उसका अन्न त्याज्य है, वो घोर सकामता से वस्तु देता है। कुछ कारण था जो उसका धन, उसकी वस्तु लेने से मैंने निषेध किया था, मेरे ना करने पर भी तूने आज्ञा की अवहेलना की। ये जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं थी, वो वस्तु मुझे प्रभु को निवेदन करनी पड़ी। आचार्य को क्रोध आ गया, भगवान की कोई लीला। संत के जीवन में जो है वो उसका अपना संकल्प नहीं है, वो भगवान का संकल्प है, भगवान की लीला। आचार्य को क्रोध आ गया, आचार्य के मुख से सहज निकल गया, नीच का अन्न लाकर दिया, जा किसी नीच के घर में जन्म ले। संतोष कर गया वो ब्राह्मण कुमार कि गुरुदेव के श्राप में भी, गुरुदेव के क्रोध में भी मेरा कुछ हित ही होगा, मेरा कुछ मंगल ही होगा, और दोष मेरा ही है कि मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की, दंड मिलना ही चाहिए था। वो संस्कारी ब्राह्मण बालक संतोष कर गया। कुछ काल बाद शरीर छूटा, काशी के एक चरमकार के यहां उस बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम रघु, रघु नाम का चरमकार, उसके यहां उस बालक का जन्म हुआ। तो बड़ा अद्भुत बालक जन्मा है कि जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, रोया नहीं। रोता वही है जिसको माया की पवन रुलाती है, जिसको माया रुलाती है, जो जागा हुआ आता है वो संसार में आकर रोता नहीं, रोया नहीं बालक। लेकिन बालक बड़ा अद्भुत है, और एक विशेष बात क्या है कि बालक माता का दूध नहीं पीता, माता छूती है बालक रोने लगता है। प्राय करके तो होता है कि माँ का स्पर्श पाके बालक शांत हो जाता है, पर यहाँ बिल्कुल विपरीत घटना घट रही है, माता छूती है और बालक रोता है। यहाँ बालक का जन्म हुआ, 3 दिन बीत गए, बालक भूखा प्यासा, घर के लोगों ने झाड़ फूंक कराई, भाई बालक को कोई कुदृष्टि ना लगी हो, पर कोई बात नहीं बनी। और उधर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पा। वहां प्रभु को चिंता हुई, मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर प्रभु सबसे अधिक किसी से स्नेह करते हैं तो वो अपने सेवक से करते हैं। सेवक की चरणों की जाती है, लेकिन सेवक को अधिकार हृदय पर मिलता है। हनुमान जी भले चरणों में बैठे रहें, पर वस्तुतः हनुमान जी का स्थान चरण थोड़ी है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। कोई भीतर नहीं जा सकता उनकी आज्ञा के बिना। तो असली अधिकारी तो श्री राम जी के दरबार के हनुमान जी हुए, चाबी उनके पास में है, वो जिसके लिए मार्ग बनाए वो जाए भीतर। तो सिर्फ कहने को देखने को सेवक चरणों में रहता है, पर वस्तुतः स्वामी के हृदय पर अधिकार हो जाता है। ये भगवत सेवा की महिमा है। तो वहां प्रभु को चिंता हुई, उन्होंने श्री आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपने जिस ब्राह्मण बालक को क्रोध में आकर श्राप दे दिया था, उसका रघु नाम के चर्मकार के यहाँ यही काशीपुरी में जन्म हुआ है, 3 दिन से भूखा है बालक, जब तक आप जाकर उसे दीक्षित नहीं करेंगे, वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। आचार्य चरण को भी बोध हुआ कि मैंने बड़े थोड़े से अपराध के लिए उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया। दौड़ कर गए आचार्य चरण। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जिस स्थान पर वो रघु नाम का चरमकार रहता था, वहां आचार्य चरण पधारे हैं। पूरी काशी नगरी में हल्ला हो गया कि एक चरमकार के यहाँ श्री रामानंदाचार्य पधारे हैं। भीतर गए, गोद से लिया बालक को,
पंच संस्कार पूर्वक उसकी वैष्णवी दीक्षा कराई, आज्ञा दी। रैदास जी ने मन ही मन आचार्य चरण से निवेदन किया, एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न लाया तो इसके यहां जन्म लेना पड़ा, अब इसके यहां का अन्न खाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तब आचार्य चरण ने कहा कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने तुम्हें अंगीकार कर लिया है, अब तुम्हें माया का भय नहीं, तुम्हें चिंता नहीं, बस भगवान भजन करना और अपना जीवन सफल करना। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी बालक माता का दूध नहीं पीता। आचार्य चरण चलने लगे तो हाथ से आचार्य चरण का आंचल पकड़ लिया और बड़ी करुणा भरी दृष्टि से मानो बालक ने कहा कि इस माता का दूध कैसे पी सकता हूं, ये माता वैष्णवी नहीं है, दीक्षित नहीं है, यदि मुझ पर कृपाई करनी है तो फिर पूर्ण कृपा करिए, मेरे माता पिता को भी दीक्षित करके जाइए। आते ही इसीलिए शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम, भक्त आता है तो कुल पवित्र होता है, बानक बनाता है वो जननी जनक के कल्याण का, जननी कृतार्था, जननी कृतार्थ हो जाती है। जिस दंपति को कभी स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि आचार्य चरण का दर्शन होगा, उसे आचार्य चरण से दीक्षा प्राप्त हुई, क्या है, भक्त पुत्र जन्म लिया है, भक्त कुल में आया है। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, संत कहते हैं बोले आज कल जब कभी कल्याण होगा तो बोले साधु से होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बालक बढ़ने लगा, जन्मजात भक्ति लेकर आया है। कोई बिरला आता है संसार में जो जागा हुआ आता है, जो आप जपे और औरा नाम जपावे। तो रैदास जी वहीं भगवत कृपा का विचार करते वहीं चौड़े में पड़े रहते, सूखा चमड़ा बाजार से ले आते, जूती गांठ कर बनाते, बाजार में बेच देते, पहले साधु सेवा करते, पश्चात जो रहता कभी, और संत का जीवन कैसा, ऐसा कभी रबड़ी कभी चना और कभी वो भी मना, बिल्कुल ऐसा ही रैदास जी का जीवन। अब भोजन मिला, अब जाने कब मिलेगा। पर भक्त देखने में लगता है अभावग्रस्त है, अकेला है, पर त्रिलोकी का स्वामी व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संतोष से सुख से जीवन यापन हो रहा है, जो साधु सेवा बन पड़ती है सो करते हैं, भगवान से देखा नहीं गया। बहुत दिन तो भगवान ने देखा कि रैदास जी चौड़े में पड़े हैं, ना सिर पर छत है ना छप्पर है, और अब भोजन मिलता है फिर नहीं मिलता है, तो प्रभु को चिंता हुई। अपने जन के कारण प्रभु अपना मान टले, टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को चिंता हुई। प्रभु आए रैदास जी के द्वार पर, आकर आवाज लगाई, रैदास जी ने देखा कि मेरे घर पर साधु आया है, चरमकार का घर, चारों तरफ सूखा चमड़ा पड़ा है और साधु भेजदारी, भगवान ने आकर द्वार पर आवाज लगाई। भक्त का दूसरा गुण कि भक्त को देखते ही प्रसन्नता होती है, तन मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, पावन हो गया, दौड़ कर गए श्री चरणों में मस्तक रखा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस I'm not afraid.
घर आया राजा राम जी का प्यारा। चरणोदक पाया, प्रभु क्या सेवा करूं। संत भगवान ने कहा कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, हमारे पास ये पारस मणि है, हम चाहते हैं कि एक वर्ष तक के लिए आप इसे अपने पास रखिए, खूब प्रयोग करिए, एक वर्ष बाद हम आएंगे और ले जाएंगे। रैदास जी ने मन में विचार किया, भाई घोर कलयुग आ गया, संत माया देने लगे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु इसकी हमें आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा से भगवान नाम रूपी चिंतामणि मेरे पास में है, अब किसी पारस मणि की आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य उसी से हो जाता है। भगवान ने सोचा कि शायद इनको पारस मणि की महिमा का पता नहीं है, इसीलिए इतना वैराग्य झाड़ रहे हैं। तो वो जो चमड़ा छीलने की जो रापी थी, जो औजार था, भगवान ने छुआया, स्वर्ण का हो गया। रैदास जी क्रोधित हो गए, माने थोड़े खींच गए, बोले प्रभु ये आपने क्या किया, रोजी रोटी का साधन है वो भी बिगाड़ दिया आपने। बहुत कहा संत ने, पर रैदास जी ने एक नहीं सुनी। पारस मणि का स्पर्श करना तो दूर, उसकी ओर देखा भी नहीं। पर आप सेवा के लिए कहते हैं सो हमारी कुटिया का छप्पर है उसमें खोस दीजिए, भर एक वर्ष बाद आइएगा और जहां धरे वहीं से उठाकर ले जाइएगा। भगवान ने सोचा शायद हमारे सामने संकोच करते होंगे, प्रभु ने धरी, चल दिए। एक वर्ष बीता, भगवान आए और देखा वही चौड़ा आंगन, न छत न छप्पर, वही मैले कुचैले रैदास जी के तन पर वस्त्र और वैसा ही परिवार, वैसी ही स्थिति, कुछ भी तो नहीं बदला। द्वार पर आकर फिर आवाज लगाई, रैदास जी ने फिर भीतर बुलाया, सत्कार किया, फिर बोले वो पारस मणि, बोले जहां आप रख गए थे वही होगी। नेत्र छल छला गए भगवान के, श्री रैदास जी की निष्प्रियता देखकर कि इस भक्त के हृदय में कैसा संतोष है, भक्त के हृदय का संतोष देखकर भगवान रीझ गए। इसीलिए किसी ने कहा है, बोले हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। फकीर कहने को फकीर होता है, पर रैदास जी की समृद्धि, रैदास जी की संपन्नता देखकर कि दृष्टि जाना तो दूर की बात, मन भी नहीं गया रैदास जी का उस पारस मणि की ओर। मेरे लिए कहना सरल है, आपके लिए सुनना सरल है, पर उस स्थिति का विचार करना कि जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है और कोई और देकर नहीं जा रहा, लूटपाट का धन नहीं है, छल कपट का धन नहीं है, द्वार पर साधु प्रसाद स्वरूप देकर जा रहा है तो भी रैदास जी उसका स्पर्श नहीं करते, स्वीकार करना तो दूर की बात। जिसका मन भरा है भाई, जिसको मन की समृद्धि मिली है, वो क्यों रीझने लगा संसार की दो कौड़ी की वस्तु पर, वो दो पैसे के संसार के, दो कौड़ी के सम्मान पर क्यों अपना भजन भाव बेचने लगा, क्यों क्यों वो भगवत भाव का व्यापार करने लगा जिसे मन से कुछ मिला है। तो बहुत बार संत भगवान ने कहा, रैदास जी नहीं माने, पारस मणि लेकर भगवान चल दिए। अब भगवान ने दूसरी युक्ति निकाली, रैदास जी अपने घर में जो श्री विग्रह की सेवा करते थे, आज रैदास जी ने शयन से भगवान को जगार कराई, उठाया तो देखा भगवान के विग्रह के नीचे चार सोने की मोहरें पड़ी हैं। तो रैदास जी ने क्या किया, चिमटे से वो सोने की मोहरें उठाई, जैसे बिच्छू को उठाया जाता है, चिमटे से सोने की मोहरें उठाई और गंगा जी में डाल दिया।
अब एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर वही घटना, तीसरे दिन फिर वही घटना। रैदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। पत्नी वस्तुतः धर्म पत्नी थी, भजन भाव में सहयोगिनी थी, प्रभु की अनुरागिणी थी। बोले देखो घोर कलयुग आया है, संत पारसमणि देते हैं भगवान के चरणों से, मायापति के चरणों से माया निकल रही है। बोले अब हम तो ना तो संत की सेवा करें ना भगवंत की सेवा करें, सीधे सीधे राम नाम जपेंगे और सुखी रहेंगे, क्योंकि भाई खबर नहीं हो क्या रहा है। संत आते हैं वो धन देकर जाते हैं, भगवान के चरणों से धन निकल रहा है। अब भगवान से रहा नहीं गया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा है, ये माया नहीं है, साधन है, साधु सेवा का साधन है, संत भगवंत की सेवा करिए और भक्ति के सुयश का विस्तार करिए, इसीलिए इसी निमित्त आपको ये साधन दिया जा रहा है। देखो जब भगवान की कृपा से वस्तु मिलेगी, जब भगवान के प्रसाद से वस्तु मिलेगी, तो आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, विवेक भी मिलेगा। आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, आपको युक्ति भी मिलेगी। संत दे रहे हैं पारसमणि, लेकिन रैदास जी के पास गुरु द्वारा प्रदत्त विवेक है। रुक गए कि नहीं ये वस्तु मेरे लिए नहीं है, ये वस्तु मेरा हित नहीं करेगी, रुक गए, नहीं छुआ उसको। भगवान के चरणों से पार मोहर निकल रही है, रैदास जी ने नहीं छुआ। रैदास जी का विवेक इसकी आज्ञा नहीं देता, भजन के भाव में ये बाधक हो सकता है, इसीलिए इसको ग्रहण करना ठीक नहीं। तो श्री रैदास जी ने भगवान से संकल्प कराया, प्रभु ने कहा, प्रभु ने वचन दिया कि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब जब भगवान ने साधन दे दिया तो सुंदर स्थान लेकर प्रभु के श्री मंदिर का निर्माण कराया, संत भगवंत की सेवा होने लगी। रैदास जी तो भोर से सांझ और सांझ से भोर, भोर भए ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सुलागत कब से निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम बधा। हरि गुणगान में जीवन बीत रहा है, संत भगवंत की सेवा हो रही है, चहुं ओर सुख सुमति समृद्धि छा गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा, जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे 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 दासा। तो विनम्रता के कृतज्ञता के आसन पर विराजमान रैदास जी, उनके हृदय में विराजमान भक्ति और भक्ति द्वारा प्रदत्त वो अद्भुत सुख रैदास जी महाराज ले रहे हैं। तो रैदास जी महाराज ने भगवत आज्ञा पाके, भगवत प्रसाद पाके और भगवत सेवा करनी आरंभ की। सुयश फैलने लगा रैदास जी महाराज का, चहुदिक चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति किरणों का नर्तन हो रहा है। दूर दूर से संत लोग श्री रैदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके यहाँ भगवत प्रसाद पाने के लिए आते हैं, उनके यहाँ विराजमान श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन पाने के लिए आते हैं।
बड़ा सुंदर स्थान श्री रैदास जी ने बनाया, भांति भांति से साधु सेवा होने लगी। रैदास जी के हृदय में आनंद समाता नहीं, तो रैदास जी की कुटिया में प्रतिष्ठित हो गई भक्ति, सुयश फैलने लगा श्री रैदास जी का चतुर्दिक। तो बहुत अधिक अनुकूलता, बहुत अधिक सुख भक्त के जीवन में भगवान नहीं रहने देते, मिलने लगे तो भगवान रोक देते, व्यवस्था ऐसी करते हैं। रैदास जी के जीवन में भी यही घटा। जब रैदास जी का यश चतुर्दिक फैलने लगा, जब ख्याति चौदिश फैलने लगी, तो क्या हुआ, काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो पंडित थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो एक चर्मकार है, हीन जाति का है, हीन कुल का है, और इसका सुयश इस प्रकार कि आज जो काशी में आता है वो हमसे रैदास जी की कुटिया का पता पूछता है। तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा। अब वो षड्यंत्र क्या था, ब्राह्मणों के हृदय में बैठने वाला भी वही है, रैदास जी के हृदय में बैठने वाला भी वही है। रैदास जी तो बेचारे अकेले रहकर भजन कर ही रहे थे, ठाकुर जी ने कहा नहीं तुम सेवा करो, और जब रैदास जी सेवा करने लगे तो ब्राह्मणों से जाके कहा इसको रोको। रैदास जी सेवा नहीं करते थे, एकांत में रहकर भजन करते थे, तो कहा कि भजन करो, सेवा करो, भक्ति की प्रतिष्ठा करो, और जब कर दी तो ब्राह्मणों से कहा कि देखो रैदास क्या करता है, रोको इसको जाकर। वो तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। संत कहते हैं कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा, पहुंच गए राजा के पास, काशी नरेश से जाकर कहा कि आप जानते हैं आपके राज्य में कैसा अनर्थ हो रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ, बोले ये जो रैदास हैं ये हीन कुल के हैं, इनको इनको भगवान का विग्रह स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, और ये भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे, शास्त्र की अवहेलना अवमानना हो रही है, प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, देवता प्रतिकूल हो जाएंगे, आपदा आएगी आपके राज्य पर, विपत्ति आ जाएगी, अकाल पड़ेगा, प्रजा पीड़ित होगी, हमारा कर्तव्य हम आपको चेता दे समझा दे, आप तो परिचित नहीं है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है आपके राज्य में। अब राजा कुछ रैदास जी की महिमा से परिचित था, तो उसने सीधे सीधे तो कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन रैदास जी को सभा में बुलाया, क्योंकि राजा ये भी मानता था कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार कि कोई ऐसा व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करे, शास्त्र की अवमानना हो रही थी। तो राजा ने बुलाया रैदास जी को सभा में, कहा कि आप इस प्रकार, आप तो महात्मा हैं, साधक हैं, साधु हैं, इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं। तो रैदास जी ने कहा कि किसकी सेवा करता हूं, बोले भगवान की। तो बोले भगवान की इच्छा से ही तो भगवान की सेवा करता हूं, जिनकी सेवा करता हूं उन्हें कोई कष्ट नहीं है, तो इन ब्राह्मणों को क्यों कष्ट होता है। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी भावना से परिचित हूं, आपका भाव समझ भी रहा हूं, किंतु उन ब्राह्मणों को कैसे समझाया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई रैदास जी के भाव की परीक्षा होनी चाहिए। रैदास जी ने कहा मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप बताइए कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो रैदास जी के श्री ठाकुर जी का विग्रह मध्य में पधराया गया। ब्राह्मणों ने कहा हम वेद का पाठ करेंगे, हम पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, रैदास जी अपनी विधि से भगवान को बुलाएं, जिसके बुलाने पर भगवान उसके पास चले जाएं वो जीता, दूसरा व्यक्ति हारा। हम जीत गए तो रैदास जी आज ही भगवत सेवा छोड़ देंगे, रैदास जी जीत गए तो हम इनका विरोध करना छोड़ देंगे। राजा ने रैदास जी की ओर देखा, स्वीकार है, रैदास जी ने हाथ जोड़ लिए, तेरा भाना मीठा लागे, स्वीकार है। एक एक और गुण भक्ति आपको निर्भय करती है, निर्भय। रैदास जी ने कहा स्वीकार है, लग गए ब्राह्मण। सुबह से शाम हो गई, कंठ सूख गया, श्रम के मारे हाल बेहाल हो गया, भगवान टस से मस नहीं हुए, थक गए पंडित, हार गए, हाथ कुछ आया नहीं,
भगवान को समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं, व्यापार की भाषा थी। जीतने का भाव बुरा नहीं है, पर किसी को हराने की वृत्ति बुरी है। किसी से आगे निकलना अच्छा है, पर किसी को पीछे छोड़ने का भाव अच्छा नहीं है। आप हैं, मनुष्य हैं, आपने प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अपना मार्ग बनाइए, जीतिए, पर किसी को हराने की चेष्टा मत करिए। ऊपर उठिए, किसी को गिराने का प्रयास मत करिए। आप अपनी मानवता दूषित कर लेते हैं, आप अपनी वृत्ति प्रवृत्ति मैली कर लेते हैं, आप अपनी कृपा पात्रता में छिद्र कर लेते हैं जब आप हराने की चेष्टा करते हैं, जब आप किसी को झुकाने की चेष्टा करते हैं। हार गए ब्राह्मण, हारना था, पराजय निश्चित थी, क्योंकि हराने के लिए प्रभु के सन्मुख आए थे। और वहां रैदास जी, जिनके लिए न हार न जीत, जिनकी दृष्टि केवल अपने प्रभु की कृपा पर। बिनती सुनिए जगदीश हमारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारे, रे सर पा रे 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 मनी पमा रे सर बिनती सुनिए जगदीश हमारा। हो तेरो दास आस मुहे तेरी, हो तेरो दास आस मुहे तेरी, इत दे कान मुरारी बिनती सुनी जगदीश हमारा। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, मोन नदीरी उघारी रे, मोन नदीरी उघारी, खेचच खेचच दो भुज खाके, दुशासन गए हरि रे, चिर बनायो नारी अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, दुखो है रखवारी अब को है रैदास जी ने। दीनानाथ अनाथ का भला भया समझो, जो अब तारोगे नहीं मेरी रसी
श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भी त्राही त्राही आरत हरन सरल सुखद रघुबी मोसम केवल मेरा नहीं होगा आपका भी होगा। गोस्वामी जी कहते हैं चिंता मोहि नाथ अपारा नहीं अपजस होए तुम्हारा। इसे तासीरे मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, इसे तासीरे मोहब्बत कहूं या निगाहे नाज, लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। प्रभु संसार मुझे आपका भक्त कहता है। रैदास कहे भवतारना प्रभु अब विलंब के ही कारना प्रभु अब विलंब के ही कारना अब की टेक हमारी राज राखो गिरी भारी अपना बिरध प्रकट करने का समय है। रैदास दास की सेवा मानव देवा पतित पावन नाम प्रकट की जय प्रभु पतित पावन नाम प्रकट की जय। मैं पतित और आप पतित पावन, फिर देर किस बात की है। रैदास कहे भवतारना प्रभु अब विलंब के ही कारना प्रभु अब विलंब के ही कारना प्रभु अब विलंब के ही कारना अब की टेक हमारी लाज राखो गिरी पूरी नहीं हुई थी और पतित पावन प्रभु ने अपना बिरध प्रकट किया। भरी सभा में देखते ही देखते छम छम करते आए प्रभु और श्री विग्रह आकर रैदास जी के हृदय से आकर लगा, स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया भक्त को भगवान ने। पतित पावन नाम प्रकट किया प्रभु ने, पुकार सुन ली, स्वीकार कर ली, अंगीकार किया भक्त को, भाव को, जो नहीं जानते थे
रैदास जी की भक्ति की महिमा सो भी जानने लगे। विमुखों ने किया तो था रैदास जी की निंदा के लिए, रैदास जी के अपयश के लिए, भक्त का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। और रैदास कहते कि प्रभु इतनी कृपा हो कि बस ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने कहा कि इतना जप कर लूं, इतना तप कर लूं, इतना साधन कर लूं, ऐसे करूं वैसे करूं, ऐसी कोई बात नहीं कहते, बस मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, मनसा वाचा कर्म ना आशा आपकी रहे, देखूं आपकी ओर, देखूं आपकी ओर, सुख आए दुख आए आपका प्रसाद जानकर प्रसन्नता से स्वीकार कर पाऊं। तो श्री रैदास जी को कौतुक दिखाया उनके प्रभु ने, सब सभा के मध्य में उनके हृदय से आकर लगे, मन क्रम बचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदास। राजा ने कहा, राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी परीक्षा पूर्ण हुई और श्री रैदास जी महाराज पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण हुए। अब बेचारे ब्राह्मण क्या करते, प्रभु तो आकर लग गए हृदय से, जैसे तैसे मन मार कर रह गए। और श्री रैदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा विचार, अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा विचार। श्री रैदास जी ने प्रभु से विनती की, बोले प्रभु अब तक तो फिर भी किंचित मन यत्र तत्र कबहू मन इत उत चल जात, पर आपकी अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर, आपका अपने ऊपर ऐसा अनुग्रह देखकर अब दीजिए तो बस इतना दीजिए। मैं तीर्थ व्रत ना करूं देसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम साथ और न देवा, साची साची प्रीत।
रैदास जी महाराज भक्ति महारानी की कृपा से जीवन के उत्सव को मना रहे हैं। चारों ओर चतुर्दिक यश व्याप्त हो गया श्री रैदास जी महाराज का। श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया, हृदय से आलगे स्वयं चल कर आए, प्रभु स्वीकार कर लिया, भावना प्रमाणित हो गई। देखिए, भक्त को और भक्ति को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं, यहां से आरंभ करिए। तो भक्त ना तो प्रमाण चाहता है ना भक्ति प्रमाण मांगती है, पर संसार को प्रमाण चाहिए, क्योंकि संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। संसार को प्रमाण चाहिए, संसार ने प्रमाण मांगा कि रैदास जी प्रमाणित कर दें कि इनकी भावना सिद्ध है। रैदास जी ने उत्तर दिया ना, राजा ने पूछा क्यों सेवा करते हैं, तो बोले प्रभु चाहते हैं कि मैं सेवा करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रमाणित कर दे रैदास जी कि भगवान चाहते हैं कि ये इनकी सेवा करें। भगवान ने प्रमाणित कर दिया। पर लेकिन श्री ठाकुर जी को इतने से चैन नहीं पड़ा, ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ, उन्होंने राजा से जाकर फिर शिकायत की। बोले पहले तो रैदास जी के ठाकुर थे, हो सकता है कुछ नाटक चेटक करके आए हों। तो बोले अब की बार ठाकुर जी हमारे होंगे, अब की बार जो श्री ठाकुर जी का विग्रह होगा वो हमारा होगा, पहली बार तो इनका था। नरसिंह जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था, और जब वो केदारा राग भगवान को सुनाते थे तो भगवान अपने गले की माला जो थी वो गिरा देते थे। अब जो विमुख लोग थे उन्होंने कहा कि भाई कच्चे सूत की माला होती है, गिर जाती होगी माला, आज हम पोएंगे। तो खूब बटबट कर डोरा और फिर माला पोई, और संयोग ऐसा बैठा कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन नरसिंह जी ने केदारा राग संत सेवा के निमित्त किसी के यहां गिरवी रखा था। अब भाई नरसिंह जी का गला सूख गया गाते गाते, क्योंकि नरसिंह जी केदारा गा नहीं रहे थे, राग गा नहीं सकते, और दूसरा राग सुनने का अभ्यास ठाकुर जी को नहीं, तो माला ज्यों की त्यों। और नरसिंह जी को तो क्रोध आ गया, बोले तुम भाग्य में लिखे थे मेरे, ये त्रिलोकीनाथ नारायण का भजन करता, शंकर जी का भजन करता, तो जाने वो एक बिल्व पत्र के बदले क्या क्या दे देते, और तुम दो पैसे की माला छाती से चिपटाए खड़े हो, और यहां हमारे प्राणों पर आ बनी है। बोले कोई हमारा अपयश थोड़ी होगा, आपका भी होगा, भक्त झूठा पड़े तो भगवान का अपयश है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई नहीं, श्री ठाकुर जी का विग्रह हमारा होगा, रैदास जी का नहीं। रैदास जी मुस्कुराए, क्या समझाते उनको, क्या कहते और क्या वाद विवाद उनसे करते, मान लिया, क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा था, ब्राह्मणों की दृष्टि मेरा और तुम्हारा देख रही थी और दुख दिखा रही थी। अब फिर से दरबार लगा, फिर से ब्राह्मण बैठे बीच में, अब ब्राह्मणों के ठाकुर जी का विग्रह था, इधर रैदास जी बैठे, लेकिन आज रैदास जी प्रसन्न है, जिसने एक बार संभाला है वो फिर भी संभालेगा। बैठ गए रैदास जी महाराज, मैंने अब बुलाओ। ब्राह्मणों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया, खूब गाया, वेदों की श्रुतियां, पुरुष सूक्त, जाने क्या क्या। अब मैंने कहा था ना, भगवान को तो वो भाषा ही समझ में नहीं आती, भगवान न तो सुने और न समझे, टस से मस नहीं हुए। अब फिर बारी आई रैदास जी की, और भक्त के पास साधन ले देकर होता क्या है। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन, तूने हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। एक सुविधा भक्ति भक्त को देती है सदा के लिए। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि मैं गम में फरियाद कर सकता हूँ, वीराने को आवाद कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, पर जब चाहूँ तुम्हें याद कर सकता हूँ। ये सुविधा भक्ति दे देती है भक्त को, और भक्त किसी और साधन का विचार भी नहीं करता। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। और प्रभु मुझ दिन पर आपके अतिरिक्त स्नेह भरी दृष्टिपात करने वाला है कौन। यदि यदि मेरी भावना पतिव्रता हो तो मेरी पुकार निरुत्तर ना जाए, इसका उत्तर आज भी दीजिएगा। और बड़े करुण स्वर में भरकर रैदास जी ने गाया,
दर्शन दी जय राम दर्शन दी जय दर्शन दी जय राम दर्शन दी जय दर्शन दी जय राम दर्शन दी जय राम दर्शन दी जय दर्शन दी जय विलंब न कीजे दर्शन दी
पुकारते पुकारते जो वृत्ति तदाकार हो गई, जीव जगन्नाथ तक पहुंचे नहीं पहुंचे, पर भक्ति की कृपा से जगन्नाथ जीव को ढूंढते हुए आ ही जाते हैं, आते ही हैं। रैदास जी के साथ घटा, वृत्ति तदाकार हो गई, वो जिह्वा के शब्द आत्मा की पुकार बन गए, कण कण से भक्ति की वो भावना प्रवाहित होने लगी, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बस एक बार वो रस प्रकट हुआ और प्रभु तो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने ब्राह्मणों से कह दिया था कि यदि अब की बार रैदास जी उत्तीर्ण हुए तो तुमको दंड मिलेगा। संत की परीक्षा लेना ठीक नहीं, संत की परीक्षा लेना ये अपराध है। इसीलिए मैंने कहा था संत की प्रतीक्षा करना, संत की परीक्षा मत करना, अब जांचना मत। रैदास जी की पुकार मौन हो गई, खो गए शब्द उस प्रेम के अस्तित्व में, केवल एक शब्द गुंजायमान हो रहा था रैदास जी के रोम रोम से, और भरी सभा में पुनः वही दिव्य घटना घटी। अब की बार श्री ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर रैदास जी के मस्तक पर आकर विराजमान हुए, और रैदास जी का रोम रोम मानो कह रहा था, अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। इससे पूर्व राजा टेढ़ी दृष्टि करके ब्राह्मणों को देखता, ब्राह्मण तो निकल गए, रैदास जी महाराज की उस सुख में निमग्न छवि का दर्शन किया राजा ने। रैदास जी महाराज की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे, प्रभु मेरे कारण कितना परिश्रम आपको और करना पड़ेगा, मेरी बात रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए आपको कितना परिश्रम और करना पड़ेगा, अब आपका ये कष्ट आपका ये श्रम मुझसे देखा नहीं जाता। नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद का ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए रैदास जी के मस्तक पर, और रैदास जी ने प्रेम में भाव में भरकर गाया, जा की छूत जगत को लागे जा की छूत कौन करे नाम
तुद बिन कौन करे, अभी विचार करता हूँ कि आपके मेरे भाव में वो बल न हो, आपके मेरे शब्द में वो सामर्थ्य ना हो जो दीन दयाल के कान तक पहुँचे। पर जब भक्त गाता है तो पुकार प्रभु के कान तक पहुँचती ही, क्योंकि वो केवल प्रभु के लिए गाता है। रैदास जी गा रहे हैं, उनके स्वर में अपना स्वर मिला दीजिए। जा की छूत जगत को लागे तू ही धरे, जाकी छूत जगत को लागे ताप तू ही धरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पैर न डरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पैर न डरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पैर न डरे, श्री रैदास जी की वृत्ति अंतर्मुखी अधिक रहने लगी। भोर का समय था। इस घटना के बाद काशी नरेश की रैदास जी में विशेष श्रद्धा हो गई। तो काशी नरेश की बड़ी श्रद्धा हो गई। एक दिन भोर का समय था, रैदास जी आंगन में बैठे चमड़ा धो रहे थे कठौते में। काशी नरेश आए, रैदास जी को प्रणाम किया। रैदास जी ने कहा, लो राजा चरणामृत ले लो। वो जिस पात्र में चमड़ा धो रहे थे उसी पात्र के जल को हाथ में लेकर कहा, बोले लो राजा चरणामृत ले लो। अब चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई पड़ता है। अब राजा किसे चरणामृत ले ले भाई, वो चरणामृत कहां, वो तो चमड़ा धोने का जल है। रैदास जी धो तो रहे थे चमड़ा, तन से कर्म कर रहे थे, मन से चित्त से प्रभु का ध्यान कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो देखने में तो रैदास जी चमड़ा धो रहे थे, कर्म नहीं छोड़ा। आप देखिए, विचार करना इस बात का और बहुत गंभीरता से विचार करना कि श्री रैदास जी महाराज को भगवत सेवा प्राप्त हो गई। चतुर्दिग श्री रैदास जी महाराज का यश परिव्याप्त हो रहा है। दूर दूर से संत दर्शन करने के लिए आते हैं, भक्त प्रसाद पाने के लिए आते हैं, लेकिन वो सब होने के बाद भी अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी, चमड़ा धो रहे हैं। ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमारा, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, इसलिए भाई मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं कहता हूं कि आप अपने कर्म को साधिए, वहीं से आरंभ करिए, यहीं रहिए, भागकर मत जाइए। भागना भागना अपने मन को धोखा देना है। भागकर आप जा नहीं पाएंगे संसार से, भागिए मत, बस जागिए यहीं पर रहकर। ये व्यवस्था है भगवान के यहां। तो रैदास जी महाराज धो तो चमड़ा रहे थे, लेकिन मन लगा था भगवान की सेवा में, भगवान को स्नान करा रहे थे, मन लगा था वहीं। राजा ने आकर प्रणाम किया, बस उसी मन की मौज में, उसी मन की मौज में वो जिस जल से भगवान को स्नान करा रहे थे, वो श्री ठाकुर जी के स्नान का जो जल था वही हाथ में भरा और कहा, लो राजा चरणामृत। राजा ने चमड़ा धोने का जल समझा। अब गिराने का दुस्साहस भी राजा नहीं कर पाया, सिद्ध संत हैं, अब क्या करूं। तो राजा ने बड़ी चतुराई की, बड़ी युक्ति की, पीने के ब्याज से उसको अपने वस्त्र की बांह में गिरा दिया, उससे वस्त्र में दाग पड़ गया। जब धोबी को दिया वस्त्र धोने के लिए तो दाग छूटा नहीं, धोबी ने दांत से दाग छुड़ाने का प्रयास किया और वो जो जल का बिंदु धोबी के मुख में पड़ा, धोबी का तो रोम रोम पुलकित, वो तो जहां देखे तहां जित देखो तित श्याम मई है, वो तो बौरा गया, वो तो प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा धोबी पर कि काशी की गलियों में धोबी नाचता डोल रहा है। मुकुंद माधव गोविंद मोर, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल
अब अब राजा को खबर पड़ी, बोले धोबी की तो कुछ ऐसी दशा हो गई, वो जो आपने वस्त्र धोने को दिया था। राजा ने झट से धोबी को बुलाया, पूछा ये सब कैसे हुआ। अब धोबी को तो सुध नहीं, और राजा अनुमान लगा पा रहा था कि धोबी किसी दैवीय दशा को प्राप्त हो रहा है। वो अद्भुत प्रेम का लक्षण प्रकट हो रहा था। जब भक्ति उर में प्रकट होती है तो सुवास आती है आपके आभा मंडल से। इसीलिए भक्त निश्चिंत होकर कहता है, छाप तिलक सब छीनी। माला और तिलक से परिचय नहीं देती भक्ति अपना। आपके आभा मंडल से एक सुवास आती है, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। सकल लोक मा सौने बंदे निंदा ना करे केणी रे। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। इन गुणों से भक्ति अपनी सुवास प्रकट करती है। बोता कुछ आंदा नहीं नचने आयो पक्षी होता है। जब उसकी कृपा होती है, जब उसकी मेहर होती है, उसकी दया होती है, और संबंध उभय पक्षीय हो जाता है, दोनों पक्षों से हो जाता है। जब आपको कृपा की खुमारी चढ़ने लगती है, मेरे महाराज यही बात कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो होश में रहता हूं तो लगा लेता हूं, और कभी सुरूर में हूं तो भूल भी जाता हूं, चिंता नहीं है। धोबी कुछ बताने की अवस्था में नहीं, घर वाले लोगों ने बताया। बोले महाराज वो आपका वस्त्र था, दाग छूट नहीं रहा था, बस इसने जैसे ही दाग छुड़ाने का प्रयास किया इसकी दशा ऐसी हो गई। राजा को समझ में आ गई कि मैंने वो चरणामृत जो ढुलकाया था उस वस्त्र की बाह में। राजा ने तो एक क्षण प्रतीक्षा नहीं की, दौड़ कर गया नंगे पांव रैदास जी महाराज की कुटिया में, दंडवत प्रणाम किया। अब भी रैदास जी महाराज चमड़ा ही धो रहे थे, संयोग ऐसा था। रैदास जी महाराज को प्रणाम किया। रैदास जी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, काशी नरेश आए हैं, राजा है, आदर के योग्य है। इससे पहले रैदास जी महाराज कुछ कहते, बोले महाराज चरणामृत दे दीजिए। हंस दिए रैदास जी महाराज, बोले राजा चरणामृत तो उसी दिन था, आज तो चमड़ा ही धोने का जल है, चरणामृत तो उसी दिन था। इसी प्रकार एक बार गुरु गोरखनाथ रैदास जी महाराज की महिमा सुन के कुटिया पर आए, पीने के लिए पानी मांगा, रैदास जी ने उसी कठौते का जल डाल दिया। बड़ी ग्लानी हुई कि अतिथि को कठौते का जल डाल दिया, जिसमें चमड़ा धोया सो जल डाल दिया। जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात। तो बड़ी बड़ी ग्लानी हुई, चमड़ा धोने का जल डाल दिया, पिया नहीं। वहां से निकलकर कबीरदास जी की कुटिया में गए, संगी संग रहते थे। कबीरदास जी की पुत्री का नाम था कमाली। तो कहा कि सब हाल कह सुनाया। कमाली को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसका अर्थ है ये भगवत भक्ति की और संत की महिमा नहीं जानते हैं। वो खप्पर का जल कमाली ने अपने एक पात्र में लिया, उनको गंगा जल डाल दिया और वो जल कमाली ने पी लिया। कमाली का विवाह हुआ मुल्तान, और एक बार गुरु गोरखनाथ घूमते घूमते मुल्तान पहुंचे। अब गुरु गोरखनाथ का यह नियम था
कि वो उसी के यहाँ भिक्षा पाते थे जो उनका खप्पर भर दे। गोरखनाथ सिद्ध थे, खप्पर उनका राजा भी भर नहीं पाए, तो कमाली ने अपने पति से कहा कि तुम जाओ अपने घर बुला लाओ, मैं खप्पर भरूंगी। तो उसके पति ने कहा कि अरे उसका खप्पर राज कोष समाप्त हो जाए तो खप्पर नहीं भरता, और यदि नहीं भर पाई तो साधु की अवज्ञा का अपराध लगेगा। कमाली ने कहा आप जाइए। गुरु गोरखनाथ को भोजन का न्योता दे दिया, कुटिया में आए बैठे, पहचान लिया कि कबीरदास जी की पुत्री है, एक चुटकी चावल डाला खप्पर भर गया। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि कमाली ये कमाल कहां से सीखा, तो बोली मेरा नहीं उसी खप्पर के जल का कमाल है जो आप उस दिन कुटिया में छोड़ आए थे, बोलिए उसी खप्पर के जल का कमाल है। अब गुरु गोरखनाथ जी को बात समझ में नहीं आई, बोले सो कैसे, बोले अरे रैदास जी ने दिया था, कल भी मैंने आपसे कहा था क्या मिल रहा है ये मत देखिए, देने वाला कौन है इस बात का विचार करिए। साधु फटकारेगा भी, साधु ठोकर भी मारेगा तो ठाकुर मिलेगा, और संसार दुलारेगा भी तो अंत में मिलेगा क्षय होने वाला संसारी। तो बोले ये देखिए देने वाला कौन है, दिया किसने था। अब गुरु गोरखनाथ को बड़ी ग्लानी हुई, फिर जाने लगे, बोले अब मत जाइए, बोले जब पिलाया तब पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान लिया, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। मौज होती है संत की, मौज होती है गुरुजनों की, गुरुजनों के हृदय में कभी कभी एक लहर उठती है कृपा की, अनधिकारी व्यक्ति भी भीग जाता है उससे। तो कमाली ने कहा अब रहने दीजिए, अब नहीं होगा। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, रैदास जी महाराज से रोज आकर पूछते थे, बोले आप गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते। अब रैदास जी महाराज इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं रैदास जी महाराज गंगा स्नान करने जाएं, अब उस समय वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि कहीं ब्राह्मणों को फिर से कोई कष्ट हो, और भक्त इस प्रकार की परिस्थिति से दूर रहता है। तो रैदास जी महाराज इसलिए नहीं जाते थे कि भाई कोई झंझट हो जाए, क्लेश हो जाए, तो अपनी कुटिया में बैठे भजन करते थे। तो ब्राह्मण ने बड़ा आग्रह किया, ब्राह्मण ने रैदास जी ने कहा कि हम यहीं पर बैठे बस प्रभु का भजन सुमिरन कर लेते हैं, यहीं पर बैठे बैठे अपना भाव निवेदन करते हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा आज हम गंगा स्नान को ही जा रहे हैं, आपका कुछ भाव हो तो हम निवेदन कर दें। रैदास जी महाराज की कुटिया में दो फल रखे थे, श्री रैदास जी महाराज ने कहा ये हमारी तरफ से माँ गंगा को निवेदन कर देना। अब ब्राह्मण देव पहुंचे गंगा जी के घाट पर, रैदास जी महाराज का फल निवेदन करने लगे, माँ गंगा ने हाथ फैलाया और रैदास जी महाराज के दिए फल ले लिए। मंदिर में देवता को जब आप कुछ निवेदन करते हैं तो आपको प्रसाद भी मिलता है। तो एक बड़ा दिव्य रत्न जटित कंकण माँ गंगा ने ब्राह्मण देव को दिया और कहा ये रैदास जी महाराज को प्रसाद स्वरूप दे दीजिएगा। ब्राह्मण लेकर आ गए, रैदास जी महाराज को कंगन दिया और कहा कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात हुई, मैंने जैसे ही फल निवेदन करने की बात की तो माँ गंगा ने हाथ फैला लिए, क्यों माँ गंगा आपको इतना मानती है। तो रैदास जी महाराज टाल गए, बोले बस ये तो माँ गंगा की उदारता है कि जैसे अपने दुर्बल बालक पर माँ अधिक स्नेह करती है, ऐसे ही माँ गंगा का मुझ पर अधिक स्नेह है, क्योंकि मैं आचार विचारहीन हूँ इसलिए माँ गंगा मुझ पर अधिक स्नेह रखती है। अब ब्राह्मण देव का मन अटका था उस कंकण में, बड़ा अद्भुत रत्न जटित कंकण था। रैदास जी ने मन की बात जानते हुए कंकण ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भाई रख कर क्या करेंगे, कुछ माल मत्ता आ जाए तो बढ़िया है। तो ब्राह्मण देव ने सोचा, बोले हम घर पर रखकर क्या करेंगे, चोरी हो जाए तो आ जाए तो ठीक है, नगर सेठ को दिया। अब सेठानी पहनकर राजा के महल में गई, रानी ने राजा से हट पकड़ लिया कि मुझे तो ऐसा ही कंगन बनवा कर दीजिए, अद्भुत कंगन था। अब राजा ने कारीगर बुलाए, बोले महाराज ये किसी मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ कंकन नहीं है, ये तो कोई दैवी संपत्ति है। अब राजा ने पता लगाया कंकन आया था रैदास जी महाराज के यहाँ से। राजा ने बात निवेदन की, बोले महाराज रानी साहिबा हट किए बैठी। तो रैदास जी महाराज ने उन्हीं ब्राह्मण को बुलाया और कहा जाइए माँ गंगा से कहिए कि केवल एक एक पुष्प रैदास जी महाराज भेंट करते हैं और प्रसाद दे दीजिए। माँ गंगा ने फिर हाथ बढ़ाकर पुष्प लिया और प्रसादी स्वरूप दूसरा कंगन दे दिया।
अब तो भाई ब्राह्मण देव हट पकड़ कर बैठ गए, रैदास जी महाराज से पूछने लगे, बोले बताइए आखिर आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है कि माँ गंगा प्रत्यक्ष होकर आपकी सेवा स्वीकार करती है। भाई भक्ति से बड़ी भी कोई सिद्धि होती है, भगवान की कृपा से बड़ी भी कोई सिद्धि हो सकती है, बाकी तो सब सिद्धि है, भक्ति तो शुद्धि है, सिद्धि नहीं शुद्धि है। तो अब ब्राह्मण हट पर अड़ गए, बोले महाराज बताना पड़ेगा कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है। तो रैदास जी महाराज ने बात टालने के लिए कहा, बोले देखो हमारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, ये उसी के पतिव्रत का बल है कि देवता हम पर अनुकूल रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज इतने से हो जाता है? बोले बिल्कुल हो जाता है। तो बोले मैं कैसे मान लूं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? रैदास जी ने महाराज ने कहा अभी दिखाते हैं। पत्नी से कहा, बोले कल जो 5 सेर घी आया था भगवत सेवा के लिए उसको आंगन में पटक दो। रैदास जी महाराज की पत्नी ने न कुछ पूछा न विचार किया, वो घी का भरा पात्र उठाया आंगन में पटक दिया। ऐसी आज्ञाकारी नहीं। पंडित जी घर पहुंचे, बोले मैं भी परीक्षा लेकर देखता हूं। पत्नी से कहा वो जो कल पाव भर घी आया था उसको आंगन में पटक दो। तो बोली भांग पीकर आए हो? बोले अरे हम कह रहे हैं कल जो घी आया था आंगन में पटक दो। बोली दिमाग सटक गया है तुम्हारा? अब पंडित जी को लगा भाई ये युक्ति है रैदास जी महाराज के पास में, जब घर में ऐसी स्त्री हो हम जीवन भर विष्णु सहस्र नाम पाठ करते रहे क्या बात बनने वाली है, समझ गए। रैदास जी महाराज को दया आई, पंडित देव बड़े दुखी होकर रैदास जी महाराज के पास पहुंचे। रैदास जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण्य देव आप युक्ति और सिद्धि के फेर में पड़े हैं, इस संसार में आकर ग्राह्य वस्तु केवल एक ही है, केवल एक। चल मन हरि चट सार पढ़ाए, चल मन हरि चट सार पढ़ाए, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखाऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ाऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ाऊं। तो बड़े लंबे काल तक अनन्य भक्ति भाव का निर्वाह करते हुए श्री रैदास जी महाराज इस धराधाम पर विराजमान रहे और सतत सतत अपने मन की यही भावना, प्राणों का अर्घ, विगलित प्राणों का अर्घ अपने प्रेम देव पर निवेदन करते करते इस धराधाम से प्रभु के धाम को पधारे। श्री रैदास जी महाराज की 4 पंक्तियां गाकर ये कथा का दिव्य भाव श्री रैदास जी महाराज एवं उनके परमेष्ठ श्री राम राजा सरकार के श्री चरणों में आप मेरे साथ निवेदन करिएगा। बस 2 घड़ी बिल्कुल सतत सचेत सावधान होकर ये भाव बड़े विनय से संत और भगवंत के श्री चरणों में निवेदन करिएगा। तीर्थ व्रत को नहीं तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ
सवन सो साची।